सो दिस इज सी एस आदित्य सराफ, योर फ्रेंड, मेंटर एंड कोच। एंड आज हम लोग रिवाइज कर रहे हैं, दैट इज द बेनामी ट्रांजेक्शन एक्ट, बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन एक्ट 1988, राइट? तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पूरा का पूरा इकोनॉमिक लॉस पेपर 6D अपन साथ में रिवाइज करने वाले हैं, और बहुत ही कम समय में रिवाइज करने वाले हैं, मान लीजिए मैक्सिमम इन 4 आवर्स। तो इन द लास्ट वीडियो हमने रेरा एक्ट रिवाइज किया था आधे घंटे के अंदर, और इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर अपन बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन एक्ट 1988 रिवाइज करने वाले हैं आधे घंटे के अंदर। लेट मी टेल यू वन मोर थिंग कि जो नोट्स यूज कर रहे हैं अपन इस समरी के लिए, ये पूरे के पूरे न्यूली प्रिपेयर्ड समरी नोट्स हैं, राइट? दिस आर न्यूली प्रिपेयर्ड समरी नोट्स एंड ए लॉट ऑफ एफर्ट्स आर बींग पोर्ड इन टू दिस। ये जो समरी नोट्स है, इस सबको पढ़ के बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। इट इज गोइंग टू बी ट्रेमेंडसली बेनिफिशियल फॉर यू। अभी चैप्टर बाय चैप्टर आपको ये समरी नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूं मैं, राइट? एज एंड व्हेन आई एम टेकिंग द रिवीजन, दैट इज अवेलेबल इन द टेलीग्राम चैनल एंड विल ऑल्सो बी अवेलेबल इन द अपना मेंटर वेबसाइट इन द फ्री रिसोर्सेज सेक्शन। बट लास्ट में क्या होगा कि आपको एक कंसोलिडेटेड समरी नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा मैं, जिसके अंदर 80 पेजेस में आप पूरा इकोनॉमिक लॉस पेपर 6D रिवाइज कर सकते हो विद द इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट केस लॉज इशूड बाय द ICAI। और एग्जाम के अंदर आप मान के चलो कि 80 मार्क्स आपको उसी 80 पेजेस में से मिलेगा, तो और क्या चाहिए आपको, है ना? बाकी रिविजनरी वॉइस क्लिप्स भी मैंने आपको प्रोवाइड की है इकोनॉमिक लॉस के पेपर के लिए, और रिविजनरी वीडियोज भी मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। तो फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु हैव टेकन द क्लासेस विद मी, यू कैन अगेन यूज दिस एज अ वैल्यू एडिशन, एंड जिन स्टूडेंट्स ने क्लासेस नहीं भी ली हैं, आप इन रिसोर्सेस का फायदा उठा सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट। तो अगर हम बात करें प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन एक्ट 1988 की, तो अगेन ये जो चैप्टर है ये पेपर 4 के अंदर नहीं है, पेपर 6D के अंदर है। व्हाट डू यू मीन बाय बेनामी, व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉपर्टी, एंड व्हाट डू यू मीन बाय द ट्रांजेक्शन हियर, राइट? एंड व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्ट? तो अगर हम लोग बात करते हैं बेनामी की, बेनामी का मतलब क्या होता है? बेनामी का लिटरल जो मीनिंग होता है, दैट इज विदाउट ए नेम। बेनामी मीन्स विदाउट ए नेम। इसका मतलब कोई ऐसी प्रॉपर्टी या कोई ऐसा एसेट जिसमें कोई नेम अटैच्ड नहीं है, या कोई फिक्चियस नेम है, या ऐसा अपने को लग रहा है कि ओनर ही इज द ओनर, बट इन रियलिटी ही इज नॉट द ओनर, समवन एल्स इज द ओनर। सच ए प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज द बेनामी प्रॉपर्टी। क्या मतलब हो गया? तो मान लीजिए लेट अस से मुझे कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मैं नहीं चाहता हूं कि वो प्रॉपर्टी मैं अपने नाम से परचेज करूं, मैं अपने फाइल के अंदर उस प्रॉपर्टी को नहीं दिखाना चाहता हूं, उस एसेट को नहीं दिखाना चाहता हूं। तो मान लीजिए लेट अस से मेरा एक सर्वेंट है राम, मैंने राम को बोला कि तुम एक काम करो, मैं प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर सकता हूं, यू होल्ड इट टेक्निकली इन माई नेम, पैसा मैं दूंगा। मान लो 50 लाख की प्रॉपर्टी है, तो 50 लाख रुपीज आई एम गोइंग टू गिव, राइट? एंड यू परचेज द प्रॉपर्टी एंड द प्रॉपर्टी शैल बी इन योर नेम, प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम पे होगा बट उसका असली मालिक मैं हूँ। एंड मे बी राम डज दैट बिकॉज ऑफ द लॉयल्टी टुवर्ड्स मी और बिकॉज इज गेटिंग सम मनी फ्रॉम मी। सो दिस सिचुएशन, इन दिस सिचुएशन क्या हो रहा है कि वो जो राम है, आप एक चीज बताना, क्या राम जो है वो रियलिटी में मालिक है? नहीं। उसने क्या किया? सिर्फ अपना नाम दिया है उस प्रॉपर्टी को। तो राम को कहा जाएगा बेनामीदार। क्या कहा जाएगा? बेनामीदार। एंड हु इज द रियल ओनर? आई एम द बेनिफिशियल ओनर। एक्चुअल ओनर कौन है? मैं हूं, तो आई एम द बेनिफिशियल ओनर। तो बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट में ना दो पार्टीज होती हैं, एक बेनामीदार होता है जो अपना नाम लैंड करता है, और दूसरा बेनिफिशियल होता है जो प्रॉपर्टी का असली में हकदार होता है, ठीक है? दैट इज व्हाट वी कॉल एज द बेनामी प्रॉपर्टी। एंड ये जो बेनामी ट्रांजेक्शन एक्ट है, ये पूरे के पूरे इंडिया को एप्लीकेबल है। पहले जम्मू कश्मीर में एप्लीकेबल नहीं था, बट जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आने के बाद, आर्टिकल 370 स्क्रैप होने के बाद, अब ये जम्मू कश्मीर में भी एप्लीकेबल है विद इफेक्ट फ्रॉम 31st of October 2019, ठीक है? तो इस एक्ट को बनाने का लॉजिक क्या है? इस एक्ट को बनाने का लॉजिक ये है कि भाई पूरे देश के अंदर ऐसे बहुत सारे ट्रांजेक्शन सेंटर होते हैं, बुक्स के अंदर दिखाई देगा प्रॉपर्टी किसी और की है, बट इन रियलिटी प्रॉपर्टी किसी और की है। तो लोगों के मन में कहीं ना कहीं एक डर बनाना बहुत जरूरी है कि भाई आप ये जो कर रहे हो ये गलत कर रहे हो, यू आर डूइंग दिस रॉन्ग। एंड वो डर कब पैदा होगा? जब आप इसके लिए लॉ बनाओगे, एक स्ट्रिक्ट लॉ बनाओगे, पेनल्टी इन्फोर्स करोगे। एंड दैट इज वाई द बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन एक्ट केम इन टू बींग। ये कानून पहले भी था, लेकिन पहले इतना मजबूत नहीं था। अभी रिसेंटली 2016 के अंदर इस कानून को और पावर्स दे दिए गए, पेनल्टीज जो है वो ज्यादा स्ट्रिंजेंट कर दी गई, और बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन एक्ट फिर से लोगों की नजर में आया, फिर से पॉपुलर हो गया, ठीक है? नाउ टॉकिंग अबाउट द टेक्निकल डेफिनेशन ऑफ बेनामी ट्रांजेक्शन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ द चैप्टर। इस पूरे चैप्टर के अंदर अपना फोकस जो रहेगा वो बेनामी ट्रांजेक्शन के डेफिनेशन में होगा, और जो एडजुडिकेशन का पार्ट है उसमें रहेगा। दैट इज वेयर द क्वेश्चन इज गोइंग टू कम।
तो अब अगर हम बात करें बेनामी ट्रांजैक्शन क्या होता है, सबसे पहले आप देखो सेक्शन 2 क्लॉज 9 में कहा हुआ है बेनामी ट्रांजैक्शन मींस। मींस का मतलब क्या हो गया? मींस का मतलब भैया ये एक एग्जॉस्टिव डेफिनेशन है, जो है यही है, इसके बाहर कुछ नहीं है, मतलब आपको इस डेफिनेशन के बाहर नहीं जाना है। तो बोला बेनामी ट्रांजैक्शन मींस ए ट्रांजेक्शन वेयर प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड ऑल टू बी हेड बाय वन पर्सन एंड द कंसिडरेशन इज पेड बाय द अनदर पर्सन। यानी प्रॉपर्टी किसके नाम पे था? राम के नाम पे। बट कंसिडरेशन किसने पे किया? मैंने पे करा। तो वो ट्रांजेक्शन क्या हो गया? बेनामी ट्रांजेक्शन हो गया। लेकिन क्या सिर्फ वही ट्रांजेक्शन बेनामी ट्रांजेक्शन है? नहीं, यहां पर बोला है एंड प्रॉपर्टी हैड फॉर इमीडिएट और फ्यूचर बेनिफिट ऑफ पर्सन हु गिव द कंसिडरेशन। मैंने कंसिडरेशन दिया, राम प्रॉपर्टी हैड कर रहा है मेरे इमीडिएट या फ्यूचर बेनिफिट के लिए। तो दिस इज ऑल्सो ए बेनामी ट्रांजेक्शन। इसके कुछ एक्सेप्शन भी है, देखेंगे अभी। उसके बाद बोला ट्रांजेक्शन इन फिक्चर्स नेम। ऐसा भी हो सकता है कि प्रॉपर्टी नाम के नाम पे रजिस्टर्ड है, राम का आधार कार्ड अवेलेबल है, राम के डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है, बट इन रियलिटी राम जैसा कोई व्यक्ति एग्जिस्ट ही नहीं करता है और ट्रांजेक्शन पूरी की पूरी फिक्चर्स नेम में एंटर्ड है। तो वो प्रॉपर्टी भी क्या होती है? बेनामी प्रॉपर्टी होती है। वो ट्रांजेक्शन भी क्या होता है? बेनामी ट्रांजेक्शन होता है। ट्रांजेक्शन वेयर ओनर ऑफ प्रॉपर्टी इज अनअवेयर और डिनाइज ओनरशिप। ऐसा भी हो सकता है कि राम के मैंने सिग्नेचर्स ले लिए, अब राम मुझ पर भरोसा करता है, मैंने उसके सिग्नेचर्स ले लिए और राम ने सिग्नेचर्स कर दिया कि यस आई एम द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, बट राम को ही नहीं पता कि अच्छा भाई मेरे नाम पे ऐसी कोई प्रॉपर्टी भी रजिस्टर्ड है। एंड लेटर ऑन जब इन्वेस्टिगेशन हुआ तो राम कह रहा है मेरे को तो पता ही नहीं कि ऐसी प्रॉपर्टी मेरे नाम पे भी रजिस्टर्ड है। तो एनी ट्रांजेक्शन वेयर ओनर ऑफ प्रॉपर्टी इज अनअवेयर और डिनाइज द ओनरशिप इन दैट इज ए बेनामी ट्रांजेक्शन। एंड फाइनली ट्रांजेक्शन वेयर द सोर्स ऑफ कंसिडरेशन इज अननोन। प्रॉपर्टी मैंने परचेज करा लेकिन पैसा कहां से आया नहीं पता। भाई पैसा आ गया, कहां से आया नहीं पता, इनकम टैक्स की फाइल में अवेलेबल नहीं है, मैं अपने अर्निंग के सोर्स को समझा नहीं पा रहा, दैट इज ऑल्सो ए बेनामी ट्रांजेक्शन। और अगर ये सारे ट्रांजेक्शन में एंटर करूंगा तो मेरे ऊपर पेनल्टी लगेगा। दो पार्टीज होते हैं बेनामी के चैप्टर में, एक होता है बेनामीदार, एक होता है बेनिफिशियल ओनर। ठीक है, जो बंदा प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है अपने नाम पर वो है बेनामीदार, जिसके बिहाफ में प्रॉपर्टी होल्ड की जा रही है वो है बेनिफिशियल ओनर। और बेनामी ट्रांजेक्शन के अंदर चार चीजें आती है, दैट इज समथिंग वी डिस्कस्ड। अब देखना सेकंड पॉइंट क्या था, प्रॉपर्टीज है फॉर द इमीडिएट और फ्यूचर बेनिफिट ऑफ द पर्सन हु गेव द कंसिडरेशन। इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं क्या? बोला अगर प्रॉपर्टी हेड कर रहा है कर्ता या फिर मेंबर ऑफ एचयूएफ, तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में आपको पता है कि सब कुछ मिल बांट के होता है ना, जॉइंट फैमिली होती है, सब कुछ मिल बांट के होता है। प्रॉपर्टी कर्ता होल्ड कर रहा है बट बाकी मेंबर्स भी मालिक है, या बाकी मेंबर्स होल्ड कर रहे हैं बट अगेन हर किसी के पास ओनरशिप है, सो दैट इज एक्सेप्शन, वो बेनामी ट्रांजेक्शन नहीं है। उसके अलावा बोला गया है कि अगर कोई पर्सन फिड्यूशियरी कैपेसिटी में गुड फेथ के हिसाब से प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है, लाइक ए ट्रस्टी, लाइक ए पार्टनर, लाइक ए डायरेक्टर, तो इन दैट केस दैट प्रॉपर्टी इज नॉट ए बेनामी प्रॉपर्टी। है ना, काफी बार क्या होता है कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस वगैरह प्रॉपर्टी ओन करती हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ सम चिल्ड्रन और समथिंग लाइक दैट, सो दैट ट्रांजेक्शन इज नॉट ए बेनामी ट्रांजेक्शन। एनी इंडिविजुअल, एन इंडिविजुअल इन द नेम ऑफ स्पाउस एंड चाइल्ड। अब एक इंडिविजुअल अगर क्या करता है, अपने बीवी बच्चों के नाम पे प्रॉपर्टी परचेज करता है, कंसिडरेशन उसने पे करा है बट प्रॉपर्टी जो है वो उसके बीवी बच्चों के नाम पे रजिस्टर्ड है या वाइस वर्सा, सो इन दैट वेरी इवेंचुअलिटी क्या वो ट्रांजेक्शन बेनामी ट्रांजेक्शन है? लॉजिकली नॉट, बिकॉज दैट इज समथिंग दैट नॉर्मली हैपेंस, राइट। जो भी अर्निंग मेंबर होगा, वेदर इट इज द मेल मेंबर और द फीमेल मेंबर, हो सकता है कंसिडरेशन उसने पे करा है और प्रॉपर्टी दूसरे स्पाउस के नाम पे रजिस्टर्ड है, दैट इज समथिंग वेरी नॉर्मल, सो दैट ट्रांजेक्शन इज नॉट ए बेनामी ट्रांजेक्शन। जॉइंट ओनर्स, ब्रदर और सिस्टर्स, लिनियर असेंडेंट्स और डिसेंडेंट्स। अगर मैंने जॉइंटली प्रॉपर्टी परचेज करी है अपने भाई के साथ मिलकर या अपने सिस्टर के साथ मिलकर, लिनियर असेंडेंट या डिसेंडेंट के साथ मिलकर, और सोर्स ऑफ कंसिडरेशन नोन है, तो वो बेनामी ट्रांजेक्शन नहीं है। बट इन सब चीजों में ध्यान रखना, ऐसा हो सकता है कि मैंने भाई बहन के साथ मिलकर जॉइंटली प्रॉपर्टी परचेज करी बट सोर्स ऑफ कंसिडरेशन ही अननोन है, तब क्या हो जाएगा? वो ट्रांजेक्शन फिर से बेनामी ट्रांजेक्शन हो जाएगा। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू रिमेंबर। उसके बाद अगेन इसका एक छोटा सा एक्सेप्शन है, अंडर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, दैट इज समथिंग आप गो थ्रू कर लोगे। कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में आपने देखा है कि क्या होता है कि जब प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है, कभी कभी कंसिडरेशन पहले ट्रांसफर हो जाता है, पोजेशन पहले ट्रांसफर हो जाता है, स्टैम्प ड्यूटी पे की जा चुकी होती है, कॉन्ट्रैक्ट रजिस्टर हो जाता है, बट ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होता, ओनरशिप ट्रांसफर होने में टाइम लगता है। तो इवेंचुअली आप देखोगे फॉर द टाइम बिंग क्या होगा कि ओनर कोई और है और ओनर वहां पर कोई और है। तो अगर आप टेक्निकली बेनामी ट्रांजेक्शन एक्ट लगाओगे तो ओनर कोई और है, यानी वो तो बेनामी ट्रांजेक्शन हो गया। लेकिन बोला कि नहीं, दैट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द ऑपरेशंस गिवन अंडर द टीपी एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। सो अगेन उस ट्रांजेक्शन को बेनामी ट्रांजेक्शन नहीं माना जाएगा। आई होप इट इज क्लियर।
कुछ एग्जांपल्स दिए हैं यहाँ बेनामी ट्रांजैक्शंस के, स्टडी मैट के एग्जांपल्स हैं सारे, 10 इलस्ट्रेशंस दिए हैं, 10 के 10 बेहतरीन इलस्ट्रेशंस हैं। आई हैव प्रोवाइडेड यू द रीजंस अलोंग फॉर इन एवरी एग्जांपल कि व्हाई द ट्रांजैक्शन इज द बेनामी ट्रांजैक्शन और व्हाई द ट्रांजैक्शन इज नॉट अ बेनामी ट्रांजैक्शन। प्लीज गो थ्रू ऑल दिस 10 इलस्ट्रेशंस, इलस्ट्रेशंस हैं, कोई भी एक इलस्ट्रेशन के अंदर वो मसाला ऐड करके केस स्टडी बना देगा और आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये ट्रांजैक्शन बेनामी ट्रांजैक्शन है या नहीं है। उसके बाद एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट का भी मैंने रेफरेंस दिया है आपको, राइट, जो इंस्टीट्यूट है ना, सिग्निफिकेंट केस लॉस की लिस्ट जारी करी है, उसका जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, दैट द बर्डन टू प्रूव अ ट्रांजैक्शन इज बेनामी और नॉट लाइज ऑन द पर्सन हु क्लेम्स इट टू बी बेनामी। फॉर एग्जाम्पल श्याम ने बोला कि अरे वो जो प्रॉपर्टी राम के पास है वो राम की नहीं है एक्चुअली, वो तो बेनामी प्रॉपर्टी है, तो श्याम को प्रूव करना पड़ेगा कि जो प्रॉपर्टी राम के पास है वो एक बेनामी प्रॉपर्टी है, राम को अपना इनोसेंस प्रूव नहीं करना, जिसने एक्यूज किया है उसको प्रूव करना है, ठीक है ना। इफ कंसिडरेशन इज पेड बाई डिफरेंट पर्सन अदर देन इन हुज फेवर द प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड, द परचेज इज अज्यूम टू बी फॉर द बेनिफिट ऑफ द पर्सन हु पेड द कंसिडरेशन। राम ने प्रॉपर्टी अपने नाम पर हेल्ड किया, कंसिडरेशन मैंने पे किया, तो क्या माना जाएगा कि कंसिडरेशन जो मैंने पे करा है वो अपनी बेनिफिट के लिए पे करा है। इंटेंशन ऑफ पर्सन हु पेड कंसिडरेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। उस केस के अंदर यह बताया गया कि जिस बंदे ने कंसिडरेशन पे किया है उसका इंटेंशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो मैं एक बहुत ही दयावान इंसान हूं, मैं बहुत ही महान इंसान हूं और मैंने जो कंसिडरेशन पे किया है वो इसलिए किया है कि ठीक है भाई राम के पास एक प्रॉपर्टी नहीं थी, एक प्रॉपर्टी अपने नाम की आ जाए, तो वहां पर क्या वो प्रॉपर्टी बेनामी प्रॉपर्टी होगा? नहीं होगा। तो इंटेंशन ऑफ पर्सन हु पेड द कंसिडरेशन इज ऑल्सो टू बी सीन। एंड वो इंटेंशन कैसे डिसाइड होगा? करंट सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से डिसाइड होगा, रिलेशनशिप ऑफ पार्टीज के हिसाब से डिसाइड होगा, मोटिव बिहाइंड द ट्रांजैक्शन के हिसाब से डिसाइड होगा, सब्सिक्वेंट कंडक्ट के हिसाब से डिसाइड होगा। तो बेहतरीन केस लॉ है भीम सिंह एंड एनएआर वर्सेस कान सिंह, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, सिग्निफिकेंट केस लॉस की फाइल में अवेलेबल है, आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सारा क्या हो गया? बेनामी ट्रांजैक्शंस के बारे में हो गया, सेक्शन 2 क्लॉज 9, रिमेंबर द डेफिनेशन, सी द इलस्ट्रेशन, सी द केस लॉज, एवरीथिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद डेफिनेशन बेनामीदार का दिया है, बेनामीदार मतलब वो पर्सन जो प्रॉपर्टी को हेल्ड कर रहा है या फिर ही में बी ए फिक्चर्स पर्सन एज वेल, बेनिफिशियल ओनर मतलब जो एक्चुअल में प्रॉपर्टी का हकदार है, राइट। और भी डेफिनेशंस दिए हैं जैसे कि फेयर मार्केट वैल्यू, बेनिफिशियल ओनर, पर्सन, प्रॉपर्टी, ट्रांसफर, आप देख सकते हो ये सारे डेफिनेशन ज्यादा काम के नहीं है। सेक्शन 2 क्लॉज 9 में डेफिनेशन है, सेक्शन 3 में पेनल्टी है। बोला अगर बेनामी ट्रांजैक्शन एंटर किया तो, बोला देखो भैया अगर बेनामी ट्रांजैक्शन एंटर कर गए ना, मतलब वो जो चार सिचुएशंस था सेक्शन 2 क्लॉज 9 के अंदर वो एंटर कर गए ना, तो देखो भैया रिग्रस इंप्रिजनमेंट होगा अप टू 7 ईयर्स ऑफ जेल, 7 साल तक जेल होगा, रिग्रस इंप्रिजनमेंट है मतलब 7 साल तक चक्की पिसना होगा, चक्की पिसिंग, काम करना होगा, मेहनत मजदूरी करनी होगी एंड साथ ही साथ फाइन भी लगेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जेल भेज दिया और फ्री में खाना पानी खिला रही है गवर्नमेंट, फाइन भी लेगी। कितनी? अप टू 25% ऑफ फेयर वैल्यू ऑफ सच प्रॉपर्टी। वो जो प्रॉपर्टी है, जो बेनामी प्रॉपर्टी है जिसके साथ आपने ट्रांजैक्शन किया था, उस प्रॉपर्टी का मान लो वैल्यू 1 करोड़ है, तो 25 लाख तक का पेनल्टी भी लग सकता है और साथ ही साथ 7 साल तक का जेल भी, दोनों की दोनों चीजें होंगी। बिकॉज वर्ड यहां पे क्या यूज किया हुआ है? एंड यूज किया है, आई बिलीव इट इज वेरी वेरी क्लियर। अब देखना उसके बाद आता है सेक्शन 3, अपन ने डिस्कस किया प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी ट्रांजैक्शन। नाउ कम सेक्शन 4, 5 एंड 6, तीनों सेक्शन फ्लो में चलता है, ठीक है। सेक्शन 4 इज प्रोहिबिशन ऑफ राइट टू रिकवर प्रॉपर्टी हेड बेनामी। जिस प्रॉपर्टी पे एक बार बेनामी डिक्लेयर कर दिया गया है ना, उस प्रॉपर्टी को मैं रिकवर नहीं कर सकता। सानिध्य सराफ ये नहीं कह सकता कि अरे जी मेरी प्रॉपर्टी है जी, मेरे मेहनत की प्रॉपर्टी है जी, यू नो आई एम दी ओनर, आई डोंट हैव एनी राइट इन दैट प्रॉपर्टी। No defense shall be allowed in respect of such a property held बेनामी। उसके बाद सेक्शन 5 कहता है कि वो जो प्रॉपर्टी है ना जिसको बेनामी हेल्ड किया गया है वो कॉन्फिस्केट कर लिया जाएगा, उसको जब्त कर लिया जाएगा बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा? उस प्रॉपर्टी को जब्त कर लेगा, एडजुडिकेटिंग ऑथोरिटी ऑर्डर पास करेगा, फिर एडमिनिस्ट्रेटर उस प्रॉपर्टी को अपने पोजेशन में ले लेगा, उस प्रॉपर्टी को सेंट्रल गवर्नमेंट अपने जब्त में ले लेगा और उस प्रॉपर्टी के ऊपर मेरा कोई राइट नहीं होगा और जो बेनिफिशियल ओनर है उसको कोई कंसिडरेशन नहीं मिलेगा बदले में, सेक्शन 27 में दिया हुआ है। सेक्शन 6 में बोला हुआ है प्रोहिबिशन ऑन रीट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी पे बेनामीदार। अब मान लो मेरे को समझ आ गया, अरे जी पकड़े जाने वाले हैं जी, पकड़े जाने वाले हैं, पता चलने वाला है कि वो जो बेनामी ट्रांजैक्शन है ना उसके बारे में पता चलने वाला है, तो मैंने राम को बोले काम कर मुझे वो प्रॉपर्टी दोबारा से ट्रांसफर कर दे, और राम ने भी क्या किया, मुझे उस प्रॉपर्टी को दोबारा से ट्रांसफर कर दिया, तो बोला कि ऐसे री ट्रांसफर को नल एंड वॉइड माना जाएगा। क्या माना जाएगा? नल एंड वॉइड माना जाएगा, ठीक है। इसका एक एक्सेप्शन होता है कि जैसे इनकम टैक्स के अंदर होता है ना कि आपका अनडिस्क्लोज्ड इनकम डिस्क्लोज कर दीजिए, आपको कुछ नहीं करेंगे, छोड़ देंगे, उसी तरीके से बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट के अंदर भी स्कीम आता है
कि ठीक है आपका बेनामी प्रॉपर्टी के बारे में आप डिस्क्लोज कर दीजिए तो हम आपको कुछ नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। तो अगर वैसा कुछ था तो ठीक है, रिट्रांसफर चल जाएगा, काम चल जाएगा, बट अदरवाइज सच ए रिट्रांसफर विल बी नल एंड वॉइड। तो सेक्शन 2 क्लॉज 9 के अंदर डेफिनेशन देखा बेनामी ट्रांजैक्शन का, 4, 5 एंड 6 के अंदर उसका कंटिन्यूएशन है, 3 के अंदर पेनल्टी है, पेनल्टी फॉर एंटरिंग द बेनामी ट्रांजैक्शन, एंड 4, 5 एंड 6 इज अगेन द कंटिन्यूएशन टू दैट। अब देखना इस चैप्टर का जो सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा में एक हिस्सा है, अटैचमेंट, एडजुडिकेशन एंड कॉन्फिस्केशन, कि वो जो बेनामी ट्रांजैक्शन है जो आपने एंटर करा है, जो बेनामी प्रॉपर्टी आपने एक्वायर करी है, तो अगेन उसको क्या करेगी गवर्नमेंट, कॉन्फिस्केट करेगी। उसके लिए स्टार्टिंग में नोटिस दिया जाएगा, उसके बाद नोटिस देने के बाद अगर आप साबित नहीं कर पाओगे कि वो प्रॉपर्टी बेनामी प्रॉपर्टी नहीं है तो उस प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट कर लिया जाएगा, बेच दिया जाएगा। तो वो पूरा प्रोसेस दिया हुआ है, आगे अपीलेट का भी प्रोसेस है। तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, सेक्शन 24 to 27। ये आपके रेफरेंस के लिए मैंने आपको एक टेबल दिया है, ठीक है, आई हैव जस्ट गिवन द टेबल फॉर योर रेफरेंस, एज सच स्टडी मैट में आपको नहीं मिलेगा कि कौन कौन सी अथॉरिटीज हैं जिसके बारे में आप इस चैप्टर में डिस्कस करोगे, नॉर्मली इन अथॉरिटीज के पास क्या क्या पावर्स होंगे एंड क्या क्या फंक्शंस होंगे। तो ये दिया हुआ है, आप एक बार इसको रेफर कर लेना। जैसे सेक्शन 24 में बार बार इनिशिएटिंग ऑफिसर का रेफरेंस आता है, तो आपको पता होना चाहिए हु इज द इनिशिएटिंग ऑफिसर। नॉर्मली ही इज द काइंड ऑफ पर्सन ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर, डेप्यूटी कमिश्नर, उसके ऊपर होता है अप्रूविंग अथॉरिटी जो कि एक एडिशनल कमिश्नर या ज्वाइंट कमिश्नर के कैटेगरी में आता है। फिर एडमिनिस्ट्रेटर एक इनकम टैक्स कमिश्नर की कैटेगरी में आता है। तो इस तरीके से मैंने ये हायरार्की दी है जस्ट फॉर योर रेफरेंस, ठीक है, एंड मोर क्लैरिटी। अब उसके बाद याद रखना कि सेक्शन 24, 26, सेक्शन 24 एंड 26, ये दो सेक्शन ना इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में इसका क्वेश्चन आने वाला ही है। पूरे चैप्टर में कुछ करने का टाइम ना मिले, सेक्शन 2 क्लॉज 9 कर जाना, 24 कर जाना, 26 कर जाना, क्वेश्चन यहां से आ जाएगा, लिख के ले लो, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है। तो सेक्शन 24, नोटिस एंड अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी इन्वॉल्व इन बेनामी ट्रांजैक्शन। सबसे पहले किसका इन्वॉल्वमेंट आता है, इनिशिएटिंग ऑफिसर का इन्वॉल्वमेंट आता है। इनिशिएटिंग ऑफिसर को पता चला कि राम के पास एक बेनामी प्रॉपर्टी है, राम एक बेनामीदार है, तो इनिशिएटिंग ऑफिसर को क्या, इनिशिएटिंग ऑफिसर क्या करेगा, नोटिस देगा बेनामीदार को और राम से पूछेगा कि बताओ 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 तुम्हारी प्रॉपर्टी को बेनामी प्रॉपर्टी क्यों ना मानी जाए। दैट इज द स्टेप वन। स्टेप टू में बोला है कि अगर इनिशिएटिंग ऑफिसर को बेनिफिशियल ओनर का नाम पता है तो बेनिफिशियल ओनर को भी कॉपी ऑफ नोटिस दे दिया जाए। बिकॉज बेनिफिशियल ओनर का नाम पता है कि नहीं पता, ये समझ नहीं आ रहा ना, बेनामीदार का तो आइडिया लग गया कि राम जो है वो फटे कपड़े पहन के घूमता है और बेचारा बहुत ही गरीब कैटेगरी का इंसान है, उसके पास इतनी बड़ी प्रॉपर्टी कहां से आ गई, तो डाउट हो गया कि वो बेनामीदार है। बट बेनिफिशियल ओनर कौन अभी तक पता ही नहीं चला, तो नोटिस नहीं दे सकते, बट अगर पता है तो आप उसको भी कॉपी ऑफ नोटिस दे दीजिए। उसके बाद क्या होता है कि वो जो प्रॉपर्टी है, वो जो बेनामी प्रॉपर्टी है, हो सकता है कि उसको ट्रांसफर कर दिया जाए, रीट्रांसफर कर दिया जाए, डिस्पोज ऑफ कर दिया जाए, और अगर ऐसा हो गया तो बाद में इनिशिएटिंग ऑफिसर पता नहीं लगा पाएगा कि वेदर दैट प्रॉपर्टी वाज अ बेनामी प्रॉपर्टी और नॉट। तो इसीलिए इनिशिएटिंग ऑफिसर को पावर्स दिया गया है एक्ट के अंदर कि आप फॉर द टाइमिंग एक प्रोविजनल अटैचमेंट का ऑर्डर पास कर सकते हो फॉर ए पीरियड ऑफ 90 डेज, प्रोविजनल अटैचमेंट का, कि फॉर ए टेम्पररी पीरियड ऑफ 90 डेज जो भी बेनामीदार होगा वो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं कर पाएगा, किसी को डिस्पोज ऑफ नहीं कर पाएगा, ठीक है, क्योंकि आगे ये बोला हुआ है कि अगर वो जो बेनिफिशियल ओनर है उसने गुड फेथ में किसी को प्रॉपर्टी बेच देना तो इनिशिएटिंग ऑफिसर कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसलिए प्रोविजनल बेसिस में क्या कर सकता है, इनिशिएटिंग ऑफिसर प्रॉपर्टी को अटैच कर सकता है फॉर ए पीरियड ऑफ 90 डेज, बट ये पावर इनिशिएटिंग ऑफिसर एक्सरसाइज कर पाएगा ओनली आफ्टर टेकिंग द प्रायर अप्रूवल ऑफ अप्रूविंग अथॉरिटी। याद रखना, इनिशिएटिंग ऑफिसर अपने आप में कुछ नहीं कर पाएगा, उसको प्रायर अप्रूवल चाहिएगा अप्रूविंग अथॉरिटी का। प्रायर अप्रूवल लेने के बाद क्या कर सकता है इनिशिएटिंग ऑफिसर, प्रोविजनल बेसिस फॉर 90 डेज के अंदर प्रॉपर्टी को अटैच कर सकता है। ही मे अटैच द प्रॉपर्टी ऑन प्रोविजनल बेसिस फॉर ए पीरियड ऑफ 90 डेज, और ये 90 डेज कब से काउंट होगा, फ्रॉम द लास्ट डे ऑफ द मंथ इन विच नोटिस वाज इश्यूड। नोटिस इश्यूड किया गया है 15 मई से, तो 16 मई से 90 डेज काउंट नहीं होगा, 31 मई से 90 डेज काउंट होगा। दैट इज समथिंग यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है। उसके बाद बोला गया है कि जब इनिशिएटिंग ऑफिसर प्रोविजनल अटैचमेंट को ऑर्डर पास कर देगा, उसके बाद याद रखना आगे प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट करने का पावर इनिशिएटिंग ऑफिसर के पास नहीं है, वो पावर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास होता है। तो बोला गया है कि इनिशिएटिंग ऑफिसर को क्या करना है, प्रॉपर्टी को प्रोविजनल बेसिस में अटैच करने के बाद 15 डेज के अंदर, विद इन 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ अटैचमेंट, एक स्टेटमेंट ऑफ केस बनाना है और स्टेटमेंट ऑफ केस बनाकर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को सबमिट कर देना है, ठीक है ना। 15 दिन के अंदर, 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ अटैचमेंट के अंदर एक स्टेटमेंट ऑफ केस बनाना है और वो सबमिट कर देना है टू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। तो यहां पे दो टाइमलाइंस है सेक्शन के अंदर, सेक्शन 24 के अंदर वन इज 90 डेज, अनदर इज 15 डेज।
90 डेज के लिए इनिशिएटिंग ऑफिसर क्या कर सकता है, आफ्टर टेकिंग द अप्रूवल ऑफ अप्रूविंग अथॉरिटी प्रोविजनल बेसिस में प्रॉपर्टी को अटैच कर सकता है, और उसके बाद 15 डेज के अंदर स्टेटमेंट ऑफ केस सबमिट करना है टू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। अब यहां पे नवंबर 20 में एक अमेंडमेंट है, क्या अमेंडमेंट है, बोला है कि ये जो 90 डेज का टाइम पीरियड आप काउंट करोगे इसको पीरियड ऑफ लिमिटेशन भी कहते हैं। अगर बीच में कोर्ट का स्टे ऑर्डर आ गया तो स्टे ऑर्डर का पीरियड हटा दीजिए, ठीक है स्टे ऑर्डर का पीरियड हटा दीजिए, बिकॉज तब तो कुछ कर नहीं पाएगा ना इनिशिएटिंग ऑफिसर। अब स्टे ऑर्डर का जो पीरियड खत्म हो गया उसके बाद अगर इनिशिएटिंग ऑफिसर के पास जो टाइम बचा है फॉर पासिंग ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट वो 30 डेज से भी कम बचा है, क्या बचा है 30 डेज से भी कम बचा है, तो आप रिमेनिंग पीरियड को एक्सटेंड कर दीजिए टू 30 डेज। नाउ दिस इज समथिंग यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। 90 डेज में से स्टे ऑर्डर के पीरियड को हटाया, अब मान लीजिए 90 डेज में से स्टे ऑर्डर के पीरियड को हटाने के बाद इनिशिएटिंग ऑफिसर के पास 50 डेज का टाइम है, कुछ नहीं करेंगे, 50 डेज 50 डेज ही रहेगा। 40 डेज का टाइम है तब भी कुछ नहीं होगा, 40 डेज 40 डेज ही रहेगा। 20 डेज का टाइम है तो 20 डेज 30 डेज बन जाएगा, मतलब 10 डेज से और एक्सटेंड हो जाएगा, 30 डेज से एक्सटेंड नहीं होगा 30 डेज तक एक्सटेंड होगा। 15 दिन का टाइम है तो 15 डेज से और एक्सटेंड हो जाएगा। तो इसके एक मैंने इलस्ट्रेशन भी दिया हुआ है कि फॉर एग्जांपल 90 डेज आर गेटिंग ओवर ऑन 25th ऑफ मे 2020, स्टे रिमूव किया गया है ऑन 10th ऑफ मे 2020, तो रिमेनिंग पीरियड यहां पे कितना है 15 डेज है, तो 30 डेज तक एक्सटेंड होगा मतलब 15 दिन से और एक्सटेंड हो जाएगा, दैट इज 9th ऑफ जून 2020। सिमिलरली 15 डेज का जहां रेफरेंस दिया गया वहां भी सिमिलर अमेंडमेंट आया, बोला 15 डेज के टाइम पीरियड में अगर कोई कोर्ट का स्टे ऑर्डर आता है उसको हटा दीजिए। अब उस पीरियड को हटाने के बाद अगर इनिशिएटिंग ऑफिसर के पास 7 डेज से भी कम का टाइम बचता है तब आप रिमेनिंग पीरियड को 7 डेज तक एक्सटेंड कर दीजिए, मतलब स्टे ऑर्डर पता चला कि स्टे ऑर्डर में पूरा टाइम निकल गया तो 7 डेज का टाइम मिल जाएगा इनिशिएटिंग ऑफिसर को। स्टे ऑर्डर हटाने के बाद सिर्फ 2 दिन का समय बचा है तो 5 डेज का समय और मिल जाएगा, 5 डेज का टाइम और मिल जाएगा। सो दैट इज हाउ इट गोज ऑन। सो दिस इज सेक्शन 24, राइट। अगर आपको पूरा समझ नहीं आया है तो आप एक बार सेक्शन डिटेल्ड में देख लीजिए, बिकॉज डिटेल्ड में मैंने आपको नहीं बताया है, बिकॉज दिस इज जस्ट ए समरी क्लास। अब देखना सेक्शन 25 मैनर ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस, नोटिस कौन सर्व करेगा, किसको सर्व करेगा, किसको सर्व किया जाएगा, और वो जो समॉन इशू किया गया है बाय द कोर्ट उसके क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होंगे, समॉन में क्या क्या होगा, बहुत बेसिक चीज है आप एक बार रेफर कर लोगे, ठीक है। उसके बाद आता है सेक्शन 26, दैट इज एडजुडिकेशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी। अब देखो इनिशिएटिंग ऑफिसर का जो रोल है वो खत्म हो गया और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का जो रोल है वो शुरू हो गया। अब क्या होगा, जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है वो नोटिस देगा किसको, बेनिफिशियल ओनर को नोटिस देगा, बेनामीदार को नोटिस देगा, या अगर कोई थर्ड पार्टी है जो उस प्रॉपर्टी में अपना क्लेम बता रहा है, कोई बैंक है वो कह रहा है कि भाई मेरी प्रॉपर्टी में मेरा भी राइट है, मैंने लोन दिया था सामने वाली की पार्टी को और वो प्रॉपर्टी गिरवी में था, कुछ भी, तो वो जो थर्ड पार्टी है उसको भी, तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अब नोटिस इशू करेगा बेनामीदार को, बेनिफिशियल ओनर को और कोई भी इंटरेस्टेड पार्टी को जो क्लेम कर रहा है उस प्रॉपर्टी के ऊपर विद इन 30 डेज ऑफ रिसिप्ट ऑफ नोटिस अंडर सेक्शन 24। एक और टाइमलाइन आ गया, सेक्शन 24 का नोटिस 90 डेज के बाद 15 डेज के अंदर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को मिला। अब जब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को स्टेटमेंट मिल गया उसके 30 डेज के अंदर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अपना काम शुरू कर देगा और 30 डेज के अंदर नोटिस इशू कर देगा और बेनामीदार को बेनिफिशियल ओनर को और बोलेगा कि आप लोग अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करें, एविडेंसेस सबमिट करें, बताए कि ये प्रॉपर्टी आपके नाम पर रजिस्टर्ड है, आप सबूत दें कि ये प्रॉपर्टी आपके नाम पर रजिस्टर्ड है और ये बेनामी प्रॉपर्टी नहीं है, हम इस प्रॉपर्टी को बेनामी प्रॉपर्टी क्यों नाम दें। और बोला गया कि अगर वो प्रॉपर्टी जॉइंटली हेल्ड की जा रही है बाय मोर देन वन पर्सन तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी क्या करेगा, सारे के सारे लोगों को नोटिस दे देगा, सारे के सारे लोगों को नोटिस दे देगा, मगर अगर गलती से किसी को नोटिस देना रह भी गया तो आप उस नोटिस को इनवैलिड मत बता देना, दैट इज ऑल्सो क्लैरिफाइड कि अगर प्रॉपर्टी जॉइंटली हेल्ड की गई है बाय वन और मोर पर्सन तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी सारे के सारे पर्सन को नोटिस दे देगा, लेकिन अगर नोटिस किसी एक बंदे को देना रह भी गया तो दैट इज नॉट इनवैलिड, ठीक है। तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी यहां पे नोटिस देगा कितने दिन के अंदर, स्टेटमेंट मिला उसके 30 डेज के अंदर, विद इन 30 डेज ऑफ रिसिप्ट ऑफ रेफरेंस, यानी पहला टाइमलाइन 90 डेज का था, फिर 15 डेज का था, अब 30 डेज का है, 90, 15, 13। बोला गया है नोटिस में द नोटिस शैल प्रोवाइड ए पीरियड ऑफ, द नोटिस शैल प्रोवाइड ए पीरियड ऑफ Not less than 30 days to the person to whom notice is issued. यानी नोटिस 30 दिन के अंदर गया, नोटिस में 30 दिन का समय दिया जाएगा कि 30 डेज का टाइम है आपके पास टू सबमिट द इन्फॉर्मेशन, यानी 30 डेज दोबारा से आ गया 90, 15, 30, 30। अब क्या होगा, जो बेनामीदार है, जो बेनिफिशियल ओनर है, जो इनिशिएटिंग ऑफिसर है, वो सब अपना अपना रिप्लाई देंगे। इनिशिएटिंग ऑफिसर देगा कि प्रॉपर्टी को क्यों बेनामी मानी जाए, जो बेनामीदार है बेनिफिशियल ओनर है वो बताएंगे क्यों ना मानी जाए, तो उनके रिप्लाई को कंसिडर करके, सारे रिपोर्ट्स कंसिडर करके, सारे एविडेंसेस कंसिडर करके, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड सारी की सारी पार्टीज को देने के बाद, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड सारी की सारी पार्टीज को देने के बाद, या फिर इसका लैटिन एक्सप्रेशन क्या था अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड का, प्रिंसिपल ऑफ ऑडी ऑल्टरम पार्टम, बार बार सिखाया मैंने,
हैं, प्रिंसिपल ऑफ ऑडी ऑल्टरम पार्टम, प्रिंसिपल ऑफ ऑडी ऑल्टरम पार्टम फॉलो करने के बाद फिर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी डिसाइड करेगा कि इनिशिएटिंग ऑफिसर ने क्या किया था, प्रॉपर्टी को अटैच कर दिया था, बेनामी प्रॉपर्टी को अटैच कर दिया था फॉर द टाइम बीइंग। अब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी क्या कर सकता है, या तो उस अटैचमेंट को रिवॉक कर सकता है कि इस प्रॉपर्टी को अटैच ना किया जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मान लो इनिशिएटिंग ऑफिसर ने तीन प्रॉपर्टी को बेनामी माना था, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी बोले तीन नहीं दो प्रॉपर्टी को बेनामी मानो एक को हटा दो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी बोले तीन नहीं चार प्रॉपर्टी को बेनामी मानो एक प्रॉपर्टी को और ऐड करो, ट्रीट ओनली ए पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी एज बेनामी और ट्रीट ए न्यू प्रॉपर्टी ऑल्सो एज बेनामी। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मान लो लेट अस से इनिशिएटिंग ऑफिसर ने जॉइंट ओनर्स का नाम पॉइंट किया था कि ये तीन लोग दोषी हैं इस बेनामी ट्रांजैक्शन के अंदर, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ऐसा भी बोल सकता है कि तीन नहीं सिर्फ दो लोग दोषी हैं, इट में स्ट्राइक द नेम ऑफ ए जॉइंट ओनर, या तीन नहीं चार लोग दोषी हैं, इट में ऑल्सो एड द नेम ऑफ द जॉइंट ओनर। तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कोई भी ऑर्डर सुना सकता है, इट इज फ्री टू डू सो, इट में रिवॉक द ऑर्डर, इट में कंफर्म द अटैचमेंट, इट में ट्रीट अ न्यू प्रॉपर्टी एज अ बेनामी, इट में ट्रीट ओनली ए पार्ट एज अ प्रॉपर्टी एज अ बेनामी, इट में स्ट्राइक आउट द नेम ऑफ एनी पार्टी। ये सारा कुछ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कर सकता है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ऑर्डर दे सकता है आफ्टर गिविंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। लेकिन यहां पे ध्यान क्या रखना है फिर से, नो ऑर्डर शैल बी पास्ड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ वन ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच रेफरेंस अंडर सेक्शन 24 वाज रिसीव्ड। जब भी सेक्शन 24 का जो रेफरेंस है वो रिसीव हुआ था ना एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को, उसके एक साल के अंदर, एक साल के अंदर क्या करना होगा, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को ऑर्डर देना होगा, नो ऑर्डर शैल बी पास्ड आफ्टर एक्सपायरी ऑफ वन ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ। लेकिन फिर से ये वन ईयर कब से काउंट होगा, फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ, 15th ऑफ मे को अगर रेफरेंस मिला तो 31st ऑफ मे से एक साल काउंट होगा। और यहां भी वो सिमिलर अमेंडमेंट वापस से डाल दिया कि एक साल के पीरियड के अंदर अगर कोई कोर्ट का स्टे ऑर्डर आया उसको हटा दो। ठीक है जी, अब स्टे ऑर्डर का पीरियड हटाने के बाद अब लॉजिकली सोचो और बताओ, जब 90 डेज का टाइम था तो क्या बोला था कि 90 डेज में स्टे ऑर्डर का टाइम हटाओ और उसके बाद 30 डेज से भी कम समय बचता है तो 30 डेज को क्या कर दो, अगर 30 डेज से कम समय बचता है तो उसको 30 डेज कर दो, 15 डेज बचता तो 30 डेज कर दो। जब 15 डेज का टाइमलाइन आया तो फिर से सिमिलर अमेंडमेंट आया, स्टे ऑर्डर का समय हटाओ और 7 डेज से कम बचता है तो 7 डेज कर दो। अब यहां एक साल है तो टाइम ज्यादा होगा कि कम होगा, सोचो टाइम ज्यादा होगा, तो यहां 30 डेज नहीं है, 60 डेज की बात की गई है। बोला इस एक साल में से भी कोर्ट का स्टे ऑर्डर का टाइम हटा दो और हटाने के बाद अगर वो जो टाइम है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास वो 60 डेज से भी कम बचता है तो इट शैल बी डीम्ड टू 60 डेज। यानी इस अमेंडमेंट का इंप्लीकेशन तीन जगह आया है, कौन से तीन जगहों पर आया है, सेक्शन 24 पहले वो 90 डेज वाले पॉइंट पर आया, उसके बाद 15 डेज वाले पॉइंट पर आया, और फिर सेक्शन 26 के अंदर वन ईयर वाले पॉइंट पर आया। तो ये सिमिलर अमेंडमेंट तीन जगह आया है, 90 डेज वाले पॉइंट में, 15 डेज वाले पॉइंट में और वन ईयर वाले पॉइंट में। सेक्शन 24 में कौन इन्वॉल्व था, इनिशिएटिंग ऑफिसर इन्वॉल्व था, अप्रूवल अप्रूविंग अथॉरिटी इन्वॉल्व था, और सेक्शन 26 में कौन इन्वॉल्व है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी इन्वॉल्व है। ठीक है, अब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी क्या कर सकता है, रिवॉक भी कर सकता है अटैचमेंट को या फिर प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट भी कर सकता है। हम मानेंगे कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट करने का ऑर्डर दे दिया है, बोला है प्रॉपर्टी को जब्त करो और सरकारी खजाने में डालो। बट अगेन ये काम एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कब कर सकता है, ओनली आफ्टर गिविंग ए अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड टू द बेनामीदार, दैट इज फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ ऑडी ऑल्टरम पार्टम। ठीक है, कॉन्फिस्केट करने के अलग रूल्स बनाए गए हैं जो अपने को फॉलो करना होता है, कॉन्फिस्केशन के रूल्स। अब देखना यहां पे एक दो चीजें और ध्यान रखनी है, कॉन्फिस्केशन से पहले ही अगर वो जो बेनामी प्रॉपर्टी है, कॉन्फिस्केशन के पहले ही अगर वो बेनामी प्रॉपर्टी है अगर बेनामीदार ने किसी और को बेच दिया गुड फेथ के अंदर और सामने वाले पर्सन को नहीं पता था कि वो एक बेनामी प्रॉपर्टी परचेज कर रहा है, तो कॉन्फिस्केशन के रूल्स एप्लीकेबल नहीं होंगे, बी वेरी वेरी केयरफुल। उसके बाद कॉन्फिस्केशन के अगेंस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई पैसा नहीं मिलेगा एंड एनी ट्रांसफर टू थर्ड पर्सन टू डिफिट कॉन्फिस्केशन शैल बी नल एंड वॉइड। रूल 6 फॉर कॉन्फिस्केशन दिया गया है, आप एक बार रीड कर लेंगे रूल 6 फॉर कॉन्फिस्केशन, कि मूवेबल प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट किया गया है तब क्या होगा और इमूवेबल प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट किया जाए तो तब क्या होगा। ठीक है, तो वो चीज आप देख लेंगे। सेक्शन 28 में बोला है कि अब देखो सेक्शन 27 में एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने ऑर्डर पास कर दिया कॉन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी का, लेकिन उस प्रॉपर्टी को कोई मैनेज तो करेगा, तो उसके लिए अपॉइंट किया गया एक एडमिनिस्ट्रेटर को जो कि एक इनकम टैक्स ऑफिसर के लेवल का व्यक्ति होता है। राइट, एडमिनिस्ट्रेटर का क्या काम होगा, सेक्शन 28 में बोला गया है टू रिसीव एंड मैनेज द प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केटेड, एंड एडमिनिस्ट्रेटर में टेक द मेजर्स टू टेक द प्रॉपर्टी इन हिज पोजेशन। अब एडमिनिस्ट्रेटर को क्या करना, अभी तक तो सिर्फ ऑर्डर पास किया गया कि प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट कर लो, एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट कर लिया गया, अब एडमिनिस्ट्रेटर को क्या करना है, उस प्रॉपर्टी को अपने पोजेशन में लेना है। तो एडमिनिस्ट्रेटर अब क्या करेगा, सेक्शन 29 में बोला है कि एडमिनिस्ट्रेटर अब राइटिंग में नोटिस देगा। अब एडमिनिस्ट्रेटर राइटिंग में नोटिस देगा 7 डेज के अंदर, विद इन 7 डेज ऑफ द डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस, कि आप अपनी प्रॉपर्टी को सरेंडर कर दीजिए, डिलीवर कर दीजिए।
ठीक है, तो 7 दिन का समय देगा एडमिनिस्ट्रेटर, अरे भैया प्रॉपर्टी के पेपर्स मेरे नाम कर दो, या मूवेबल प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो, और अगर बेनामीदार ने उसके रिक्वेस्ट को कंप्लाई नहीं किया तब एडमिनिस्ट्रेटर जबरदस्ती करेगा, पहले प्यार से बोलेगा, नोटिस देगा राइटिंग में, नहीं माना तो जबरदस्ती करेगा, एंड एडमिनिस्ट्रेटर में गिव ऑर्डर फॉर इमीडिएट पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी। क्लियर है? सो मेनली यही सारी चीजें आपको याद रखनी है पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी तक। सेक्शन 2 क्लॉज 9 बेनामी ट्रांजैक्शन का डेफिनेशन था, सेक्शन 3 के अंदर पेनल्टी थी, 4-5 से सीक्वेंस में चल रहा था, और फिर सेक्शन 24 से 29 पूरे एक फ्लो में चल रहा है अपना, सेक्शन 24 से 29 पूरे एक सीक्वेंस में चल रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम द जर्नी ऑफ इनिशिएटिंग ऑफिसर टू द समन पार्ट टू द एडजुडिकेटिंग ऑथोरिटी पार्ट, सेक्शन 24 के अंदर कॉन्फिस्केशन, सेक्शन 28 के अंदर मैनेजमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, सेक्शन 29 के अंदर पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी। उसके बाद ऐसा भी हो सकता है कि इनिशिएटिंग ऑफिसर एडजुडिकेटिंग ऑथोरिटी ने ऑर्डर दे दिया टू कॉन्फिस्केट द प्रॉपर्टी और टू यू नो रिवॉक द अटैचमेंट, तो अब क्या होगा? मान लीजिए एडजुडिकेटिंग ऑथोरिटी ने बोला कि अरे ये जो इनिशिएटिंग ऑफिसर है पागल है, इसने जबरदस्ती प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया, फ्री करो प्रॉपर्टी को, इनिशिएटिंग ऑफिसर एग्रीव्ड हो जाए, या इनिशिएटिंग ऑफिसर एडजुडिकेटिंग ऑथोरिटी ने बोला प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट कर लो, और जो बेनामीदार है वो कह रहा है कि बहुत गलत हुआ मेरे साथ, मेरे को आगे अपील करना है। तो सेक्शन 46 आगे कहता है कि वो जो इनिशिएटिंग ऑफिसर है या वो जो बेनामीदार है वो लोग आगे अपील कर सकते हैं अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेटिंग ऑथोरिटी, और ये अपील किसको किया जाएगा? अपीलेट ट्रिब्यूनल को किया जाएगा विद इन 45 days फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर। ठीक है, 45 दिन के अंदर अपील किया जा सकता है, और 45 दिन से वो टाइम को डिले भी किया जा सकता है, एक्सटेंड भी किया जा सकता है इफ देयर इज अ सफिशिएंट कॉज। ये लॉ में हर जगह होता है, इतने टाइम के अंदर आप अपील करोगे और इतने ही टाइम से वो अपील का टाइम लिमिट एक्सटेंड भी हो सकता है, ये लॉ के अंदर हर जगह है। ठीक है, उसके बाद बोला गया एक अपील एक और जगह पॉसिबल है, अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ 54A, अपील अगेंस्ट एन ऑर्डर पास बाय द अथॉरिटी अंडर सेक्शन 54A। अब 54A क्या है? व्हाट इज 54A? तो अगर आप देखेंगे सेक्शन 54A इज पेनल्टी फॉर फेलियर टू कंप्लाई विद द नोटिसेस और फर्निश्ड इंफॉर्मेशन। समन इशू किया गया था सेक्शन 24 में देखा था, सेक्शन 25 में देखा गया था, इंफॉर्मेशन मंगाया गया था, इंफॉर्मेशन मंगाया जाता है अंडर सेक्शन 21। तो अगर एक व्यक्ति ने समन को कंप्लाई नहीं किया या फिर इंफॉर्मेशन जो मंगाया गया था इंफॉर्मेशन का जवाब नहीं दिया तो उसके ऊपर पेनल्टी लगाई जा सकती है ₹25,000 तक का। और सेक्शन 54A में जो ऑर्डर पास किया गया है, मतलब समन इशू किया गया, बंदे ने समन का जवाब नहीं दिया, उस ऑथोरिटी ने पेनल्टी लगा दी, जो भी ऑथोरिटी इन्वॉल्व है वहां पर। लेकिन जिस बंदे को समन इशू किया गया था, जिसके ऊपर पेनल्टी लगाई गई, उसको लगा कि मेरे साथ गलत हुआ है, मेरे को तो ठीक से समन इशू किया ही नहीं गया था, मेरे को तो इंफॉर्मेशन ठीक से मांगा ही नहीं गया था, मेरे ऊपर पेनल्टी गलत इंपोज किया गया है, तो वो भी आगे क्या कर सकता है? अपील कर सकता है टू द एपीलेट ट्रिब्यूनल अगेन विद इन 45 days एंड आफ्टर गिविंग द प्रिस्क्राइब्ड फीस। तो दिस इज सेक्शन 46, दैट इज द एपीलेट पार्ट। सेक्शन 47 के अंदर रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक्स की, जो एपीलेट ट्रिब्यूनल है या जो एडजुडिकेटिंग ऑथोरिटी है वो लोग अपनी गलतियां रेक्टिफाई कर सकते हैं, दैट इज अपेरेंट ऑन रिकॉर्ड विद इन ए पीरियड ऑफ 1 year फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच ऑर्डर वॉज पास्ड। और सेक्शन 49 के अंदर बोला हुआ आगे अपील टू द हाई कोर्ट, कि एपीलेट ट्रिब्यूनल के अगेंस्ट आप किसको अपील कर सकते हो? हाई कोर्ट को, बट सिर्फ क्वेश्चन ऑफ लॉ के बेसिस में होना चाहिए और 60 days के अंदर अपील पॉसिबल है। यानी एडजुडिकेटिंग ऑथोरिटी ने ऑर्डर पास किया, एडजुडिकेटिंग ऑथोरिटी के खिलाफ अपील किया जा सकता है टू द एपीलेट ट्रिब्यूनल 45 दिन के अंदर, और एक्सटेंड किया जा सकता है बाय 45 days, और एपीलेट ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर पास कर दिया, एपीलेट ट्रिब्यूनल के अगेंस्ट आप अपील कर सकते हो टू द हाई कोर्ट ओनली ऑन ए क्वेश्चन ऑफ लॉ विद इन अ पीरियड ऑफ 60 days एंड अगेन दैट कैन बी एक्सटेंडेड बाय 60 days। ठीक है, तो ये सारा कुछ दिया हुआ है, और हाई कोर्ट जो प्रोसेस फॉलो करेगा वो सेम करेगा जैसा कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 में दिया गया है। स्पेशल कोर्ट के भी प्रोविजंस दिए गए हैं चैप्टर में, अगेन ये वाला पार्ट आप रेफर कर लेंगे, एक बार रीड कर लेंगे, स्पेशल कोर्ट का भी पार्ट दिया गया है। आई विल एडवाइज कि आप डिटेल्ड नोट से रीड करना, इसे समरी नोट से रीड मत करना डायरेक्टली। और पेनल्टीज का पार्ट दिया गया है सेक्शन 53, पेनल्टी फॉर बेनामी ट्रांजेक्शन, कि अगर कोई भी व्यक्ति बेनामी ट्रांजेक्शन एंटर करता है टू डिफीट द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ और टू अवॉइड पेमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी ड्यूज और टू अवॉइड पेमेंट टू क्रेडिटर्स, तो इन दिस सिचुएशन द बेनिफिशियल ओनर द बेनामीदार एंड वो जो भी व्यक्ति मदद कर रहा है उस ट्रांजैक्शन के अंदर वो सारे गिल्टी पाए जाएंगे, उनके ऊपर पेनल्टी लगा दिया जाएगा। और पेनल्टी कितना होगा? रिग्रस इंप्रिजनमेंट, मिनिमम 1 year इंप्रिजनमेंट, मैक्सिमम 7 year इंप्रिजनमेंट एंड फाइन दैट मे एक्सटेंड टू 25% ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू। इस चैप्टर के अंदर प्रोसिक्यूशन तभी इंस्टीट्यूट किया जा सकता है, प्रोसिक्यूशन का ऑर्डर तभी पास किया जा सकता है अगर कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी का अप्रूवल ले लिया जाए। क्या किया जाए? कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी का अप्रूवल ले लिया जाए, जो भी कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी होगा। कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी कौन होगा? कमिश्नर, डायरेक्टर, प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, ये सारे लोग होंगे। पहले बोला गया था कि प्रोसिक्यूशन तभी पॉसिबल इस चैप्टर के अंदर जब सीबीडीटी के अप्रूवल लोगे, बोल्ड वर्ड यूज किया गया था, लेकिन सीबीडीटी का अप्रूवल कहां लेने जाएंगे बाद में?
तो फिर उसको हटाकर कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी कर दिया कि प्रोसिक्यूशन शैल बी इनिशिएटेड ओनली आफ्टर द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ द कॉम्पिटेंट ऑथोरिटीज इन्वॉल्व। फिर सेक्शन 54 के अंदर पेनल्टी दी गई है, पेनल्टी फॉर प्रोवाइडिंग फॉल्स इन्फॉर्मेशन। अगर आपने गलत इन्फॉर्मेशन दिया तो क्या पेनल्टी लगेगा भैया? तो अगेन दैट इज मिनिमम 6 मंथ्स जेल, मैक्सिमम 5 ईयर्स जेल, 10% ऑफ एफएमवी तक का पेनल्टी हो सकता है अगर आपने गलत इन्फॉर्मेशन दिया। सेक्शन 54A इज समॉन का, समॉन इशू नहीं किया, समॉन का रिप्लाई नहीं दिया, इन्फॉर्मेशन नहीं दिया तो 25,000 तक का पेनल्टी। एंड सेक्शन 54 क्या है? दैट इज आपने फॉल्स इन्फॉर्मेशन दिया, तो फॉल्स इन्फॉर्मेशन देना अगेन अपने आप में ज्यादा बड़ा क्राइम है। तो वहां पे मिनिमम 6 मंथ्स जेल, मैक्सिमम 5 ईयर्स जेल एंड फाइन दैट मे एक्सटेंड टू 10% ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू। एंड सेक्शन 54A इज आपने समन का रिप्लाई नहीं दिया, समन कंप्लाई नहीं किया, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करा तो 25,000 तक का पेनल्टी। तो ये सारा कुछ यहां पे दिया गया है। और फाइनली यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज की जिस्ट दी हुई है, आप एक बार इसको गो थ्रू कर सकते हो। 3 इंपॉर्टेंट केस लॉज मैंने प्रोवाइड किया इस चैप्टर के अंदर, जिसमें से एक हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, 2 केस लॉज मैंने आपको और दिया लास्ट में, आप एक बार रेफर कर लेंगे। डिटेल्ड में केस लॉस पढ़ना है तो मैंने डिटेल्ड केस लॉ फाइल प्रोवाइड की हुई है, आप उसको रेफर कर सकते हो, अगेन अपना मेंटर के वेबसाइट में अवेलेबल है, टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल है। केस लॉस का डिटेल्ड फाइल भी आपको प्रोवाइड किया गया, समरी फाइल भी प्रोवाइड किया गया है, और इंपॉर्टेंट केस लॉस की लिस्ट भी मैं रिलीज करने वाला हूं, राइट, फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ यू ऑल। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर आपको ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। कुल मिलाकर क्या क्या ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट वाला पार्ट मार्क करा रहा हूं खाली, सेक्शन 2 क्लॉज 9, उसके बाद 24 से लेकर 27 तक आप एक भी सेक्शन नहीं छोड़ सकते हो, 24 से लेकर 29 तक, खास करके इसमें 24 एंड 27 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और फिर अपील्स वाला पार्ट। लेट मी टेल यू 90% चांसेस हैं कि क्वेश्चन इसी एरिया में से आएगा, रादर सेक्शन 2 क्लॉज 9 कर जाना, 24 27 कर जाना, अपील्स कर जाना, 90% क्वेश्चन यहीं से आने वाला है, बाकी ओपन बुक का तो एडवांटेज है ही है। और ये समरी नोट्स अच्छे से आप देख लेना, ठीक है ना, समरी नोट्स अच्छे से देख लेना, वॉइस क्लिप भी सुन लेना, एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस कर लेना। एंड इकोनॉमिक लॉज के लिए अगर आपके पास टाइम है तो क्वेश्चन बैंक भी अवेलेबल, इकोनॉमिक लॉज पेपर 6D का यू कैन परचेज फ्रॉम अपना मेंटर। तो अगेन क्वेश्चन बैंक भी आप क्या कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो टू प्रैक्टिस मोर क्वेश्चंस इन इकोनॉमिक लॉज पेपर 6D, राइट। सो ऑल दोज थिंग्स यू कैन डू। रिविजनरी वॉइस क्लिप्स फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, रिविजनरी वीडियोज फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, समरी नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। आपको लगता है कि अभी भी इकोनॉमिक लॉज में अंडरस्टैंडिंग की कमी है, खुद से प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हो, तो 38 आवर्स की क्लासेस अपना मेंटर में अवेलेबल है, अभी भी टाइम है, एग्जाम के लिए आराम से कवर कर सकते हो, सो दैट यू कैन परचेज। क्वेश्चन बैंक इज अवेलेबल फॉर परचेज, रेस्ट ऑल द रिसोर्सेज आर अवेलेबल फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट। सो हमने मेनली काम की चीजें डिस्कस करी है, इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करी है, उम्मीद करता हूं कि दिस रिविजन वॉज बेनिफिशियल फॉर, सो ऑल द वेरी बेस्ट। उम्मीद करता हूं कि इस रिविजनरी वीडियो से आपको बेनिफिट मिला होगा, राइट। डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल। जस्ट गिव योर बेस्ट, मेक श्योर यू हैव टू टारगेट नथिंग लेस देन एग्जामिनेशन इन ऑडिट एंड लॉ, एंड माई सपोर्ट इज विथ यू ऑल। ऑल द बेस्ट।